गोविंडी के शिवाजी नगर में नाबालिग लड़कों ने खेला खूनी खेल। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गोविंडी शिवाजी नगर में स्थित रहमानिया मस्जिद से लग करके एक फुरकानिया चौक है, यहाँ पर शनिवार के दिन एक खूनी वारदात हुई है। इस वारदात में जो चार आरोपी है ये चारों ही नाबालिग है, और जो जानकारी हमें मिली है वो इस प्रकार है। पहले तो अल्ताफ उर्फ बउआ, वो किसी बात को लेकर के उससे पहले मुठभेड़ होती है आरोपियों की, उसी बात से जो आरोपी है वो घात लगाकर रहते हैं कि कब जो है हमें मौका मिलेगा तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो है अल्ताफ को मारेंगे। ऐसे ही मामला जब अल्ताफ घर पर आए हुए थे, लंच टाइम था उनका जॉब का, तो लंच टाइम के दौरान उनके साथ कुछ बात को लेकर के तू मैं होती है और गाली गलौज होता है, जिस मामले को लेकर के अल्ताफ की माँ जो है दोनों को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है, अल्ताफ और उनके बड़े भाई को लेकर के। जब वो पुलिस चौकी के लिए रवाना होती है उतने में ये जो चार आरोपी है, हम आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहे हैं चारों आरोपियों की। पहला जो आरोपी है दस्तगीर, ये भी नाबालिग है और इसका जो है काफ़ी दबदबा है दस्तगीर का। फिर उसके बाद अल्ताफ, फिर सद्दाम और फिर अनस, ये चार आरोपी जो है इसमें हम आपको बता दें काफ़ी पुराना जो है लोगों का विवादित जो उस परिसर में विवाद रहा है, और इसी विवाद के चलते वो हमेशा पुलिस की धमकी को लेकर के इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो हम स्थानिक गुंडों का सहारा लेकर के इस परिसर में रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से शनिवार के दिन की ये घटना है और बुधवार को पुलिस जो है मामले को दर्ज करती है, 307 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। हम आपको बता दें गोविंदी शिवाजी नगर ये परिसर इतना है कि आए दिन खूनी वारदात होती है, लफड़े झगड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शिवाजी पुलिस स्टेशन तक बड़ा जो है एक सवाल पैदा होता है कि कब तक पुलिस इस तरीके से तमाशबीन बने रहेगी, कब इन खूनी खेल खेलने वालों पर जितना हो सके सख्त कार्रवाई किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी गोविंडी के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पर लगता है। देखिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा। अरे पूरा घटना हो गया ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।